नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुर्खियाँ। सुर्खियों में बात करेंगे कुछ अहम खबरों की। एक तरफ जहाँ वंदे मातरम इस देश की क्रांति का एक केंद्र हुआ करता था, तो वहीं आज मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर सियासी राजनीति चालू हो चुकी है। कमलनाथ सरकार के आते ही उन्होंने तय किया कि वो हर शिक्षा मंडल में और हर शिक्षा संस्थानों में वंदे मातरम का गायन के ऊपर अब रोक लगाएंगे। इस चीज़ को लेकर शिवराज सिंह चौहान को बैठी बैठा एक सियासत मिल चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने जरा भी देर ना लगाते हुए तुरंत कमलनाथ सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया और कहा कि इस चीज़ को लेकर सरकार को बैकफुट पर जाना ही होगा, अन्यथा वो इसको लेकर प्रदर्शन प्रकट करेंगे। इन सब के चीज़ कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट करते हुए कहा कि इस चीज़ को बंद नहीं करेंगे बल्कि और अच्छे तरीके से लागू करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का अब भी कहना है कि वो इस चीज़ को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो वहीं दूसरी खबर आ रही है स्वर्ण जाति को आरक्षण को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो स्वर्ण जाति को 10% का आरक्षण देंगे, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में पहल चल चुकी है। एक ऐसा मुद्दा है कि हर एक राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर कुछ कहने से भय खा रही। शायद ये 2019 की तैयारी नरेंद्र मोदी द्वारा कर दी गई है, जहां वो स्वर्ण जाति को अपनी ओर लुभाना चाहते हैं। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। तो मनोरंजन जगत की बात की जाए तो सिम्बा मूवी जो कि अभी अभी रिलीज हुई है, जिसकी लागत कुल 80 करोड़ थी, लेकिन सिम्बा मूवी ने अपने पहले ही हफ्ते के कलेक्शन में लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। और अभी ऐसी खबर आ रही है कि लगभग 9 दिन का कलेक्शन उनका लगभग 136 करोड़ का है। तो यहाँ बात करते हैं खेल जगत की। अगर खेल जगत की बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी भूमि ऑस्ट्रेलिया में जाकर रखा है स्वर्ण इतिहास। अगर बात करें भारतीय खिलाड़ियों को तो लगभग 71 साल बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उस भूमि पर जाकर मैच को जीता। इन सबके बीच उनके कोच रवि शास्त्री ने अपना खुशी प्रकट किया और उन्होंने कहा ये विजय जो गाथा थी वो विश्व कप से भी बड़ी थी। इन सबके बीच विराट कोहली का ये साफ कहना था कि हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने इस व्यथा को आगे बढ़ाया। ऐसी और अहम खबरें मैं आपके बीच में लाते रहूँगा, तब तक देखते रहिए सुर्खियाँ। मैं सूरज श्रीवास्तव आप सभी से लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद।